राजस्थान विधानसभा का मॉनसून सत्र 3 दिन चला। तीसरे दिन हंगामे के बीच सरकार ने कई महत्वपूर्ण विधेयक सदन में बहुमत के आधार पर पास कराए। शुक्रवार का दिन कई मायनों में विधानसभा के लिए खास रहा। ये 14वें विधानसभा की सदन की कार्यवाही का भी आखिरी दिन था। इसके बाद जो मुद्दे पटल पर हैं या फिर विपक्ष ने हंगामे में शामिल हैं, वो सब अब जनता के बीच चुनावों की रणनीति का हिस्सा होने जा रहे हैं। पक्ष विपक्ष के आरोप प्रत्यारोपों के बीच 14वीं विधानसभा का अंतिम और 11वां सत्र संपन्न हुआ। इस सत्र के समापन के साथ ही राजस्थान की राजनीति में एक नए आगाज की दस्तक भी हो चुकी है। क्या मायने हैं इस सत्र के और क्या मतलब है इस हंगामे का, देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। राजस्थान में सियासी पारा चरम पर है। एक तरफ दोनों बड़े सियासी दल जनता के दरबार में हैं, वोट की दरकार है तो वादे भी लुभावने हैं और इरादे भी जोशीले। सत्ताधारी पार्टी की गौरव यात्रा रफ्तार से चल रही है तो सत्ता में आने के ख्वाब के साथ कांग्रेस भी जनता को लुभाने में कोई कसर नहीं छोड़ रही है। जीत के संकल्प को संकल्प यात्रा के माध्यम से पूरा करना चाहती है। सियासत के ऐसे ही तेवर विधानसभा के अंतिम सत्र में भी देखने को मिले। प्रदेश की वसुंधरा राजे सरकार पूर्ण बहुमत के साथ सरकार में आई और सरकार ने जनता का दिल जीतने का प्रयास भी किया, लेकिन मौजूदा सरकार को विधानसभा के अंतिम सत्र में विपक्ष ने जमकर घेरा। 3 दिवसीय अंतिम मानसून सत्र में हंगामे के चलते विधानसभा का प्रश्नकाल अंतिम 2 दिन महज 15 मिनट में ही सिमट गया। दोनों दिन विधानसभा अध्यक्ष को सदन की कार्यवाही स्थगित करनी पड़ी। विपक्षों ने राजस्थान गौरव यात्रा, किसानों की कर्ज माफी, यूथ कांग्रेस कार्यकर्ताओं पर लाठीचार्ज, भ्रष्टाचार, लगातार बढ़ रही पेट्रोल डीजल की कीमत आदि मुद्दों पर जमकर घेरा। आइए सुनाते हैं आपको विरोधियों के तीखे तेवर। सरकार को 200 में से 163 का जनादेश मिला था। उस सरकार को चाहिए था कि वो जनता की अपेक्षाओं के ऊपर खरे उतरे, लेकिन पिछले 5 साल से चाहे किसानों के मुद्दे की बात हो, चाहे बेरोजगारों को रोजगार देने की मुद्दे की बात हो, चाहे लैंड ऑर्डर की बात हो, चाहे बिजली पानी सड़क की बात हो, चाहे बच्चियों के साथ में जो बलात्कार और अत्याचार हो रहे थे उनकी बात हो, सब मुद्दों पे विफल रही है। देखो, सरकार से हमने पहली बार निवेदन किया, सदन के अंदर भी किया और बीएसई कमेटी के अंदर भी हमने निवेदन किया कि ये सदन जो है कम से कम 10 दिन चलना चाहिए। 10 दिन के अंदर ये भी सदन 10 दिन चलाते तो राजस्थान के ज्वलनशील मुद्दों को हम सदन के अंदर रख सकते थे, लेकिन सरकार नहीं मानी। सरकार ने सिर्फ 2 दिन का सदन था, 1 दिन लोका आपके कॉन्डोलेंस में चला गया और 2 दिन के अंदर हमने जो प्रदेश के जनता की जो ज्वलनशील बातें मुद्दे हैं उनको हमने उठाने की कोशिश करी। सरकार की तरफ से कोई जवाब नहीं आया। सरकार सिर्फ अपना काले कारनामे छिपाने के लिए और जनता का जवाब ना देने के लिए सरकार सदन छोड़ के भाग गई। आज जो कुछ विधानसभा में हुआ बिल्कुल अलोकतांत्रिक हुआ। मेरा प्रश्न लगा हुआ था प्रधानमंत्री जी की लाभार्थी जनसंवाद में जो खर्च इन्होंने किया, मैंने पूछा आपने किस विभाग से, किस बजट से, किस हेड के द्वारा वो खर्च किया। उसके बाद मेरा प्रश्न था कि गौरव यात्रा में आप सरकारी खर्च किस तरह से कर रहे हैं, किस आधार पे कर रहे हैं। लॉटरी में पर्सन लग गया, प्रिंट होके आ गया, इन्हीं लोगों ने प्रिंट किया और रात को 1 बजे मेरे पास जवाब आता है कि आपका पर्सन जो है वो स्थगित कर दिया गया। आज जैसे जलमल जयपुर का जो जल का बोर्ड बनने का पास हुआ उसमें बहुत सी बातें क्लियर नहीं है। जयपुर पेयजल की समस्या से ग्रस्त है और उसमें समस्या और बढ़ेगी। इसी प्रकार लोकायुक्त का मजबूत बिल आता इस बात की लोगों को अपेक्षा थी। उस मजबूत बिल के अलावा केवल 3 साल का कार्यकाल बढ़ाने का बिल आया। इन सब बातों को लेकर हमने बात की। मैं समझता हूँ कि यह 14वीं जो विधानसभा है उसमें संसदीय परंपराओं का बहुत ह्रास हुआ है और आगे आने वाली विधानसभा इस विधानसभा के ह्रास को स्वीकार नहीं करे और अपने मापदंडों को सुधारे। 5 सितंबर से शुरू हुए मॉनसून सत्र में पहले दिन की कार्यवाही शोकाभिव्यक्ति के बाद अगले दिन तक के लिए स्थगित कर दी गई। इसके बाद अंतिम 2 दिन चली विधानसभा में सदन की कार्यवाही हंगामेदार रही। हालांकि विपक्षों के शोर शराबे के बीच सत्ता पक्ष ने कई महत्वपूर्ण विधेयक बहुमत के आधार पर पास करा लिए। आज एक बार फिर सदन का अपमान करने का काम कांग्रेस पार्टी ने किया है। कांग्रेस पार्टी का जो आचरण अब तक रहा है, विधानसभा को कभी भी
नियमों के अनुसार प्रक्रियाओं के अनुसार चलने नहीं दिया। हमेशा ही एक प्रवृत्ति बन गई लंग्स पावर का इस्तेमाल करके हो अल्ला करके और विधानसभा के कार्रवाई को बाधित करना। आज दो बार प्रश्नकाल के अंदर और प्रश्नकाल के पश्चात अध्यक्ष व्यवस्था के बाद स्थगन प्रस्तावों पर जब उनका पक्ष रखने वाले हनुमान बेनीवाल जो आज निर्दलीय है उनको भी बोलने नहीं दिया कांग्रेस पार्टी ने। ये 14वीं विधानसभा का अंतिम सत्र है और इस अंतिम सत्र के अंदर सरकार विधेयक लेकर आई और वो विधेयक भी जनहित के विधेयक थे, जनता से जुड़े विधेयक थे। लेकिन इस 3 दिन के सत्र के दौरान प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यों की भूमिका नकारात्मक रही, वो सकारात्मक बहस करने से बचते रहे, वो सिर्फ मीडिया की सुर्खियां बनने के लिए हल्ला करते रहे और उन्होंने सदन की कोई भी गरिमा नहीं रखी और सदन नियम और प्रक्रियाओं से चलता है, उस नियम और प्रक्रियाओं से भी बाहर जाके उन्होंने अपना व्यवहार किया और जितनी इसकी निंदा की जानी चाहिए उतनी कम है। और मैं समझता हूँ कि सरकार ने पिछले 4.5 साल के अंदर जनता से जुड़े हुए और लोक कल्याणकारी योजनाएं लेकर आई है और मेरा मानना है कि आने वाले समय के अंदर जनता उनको स्वीकार करेगी। मानसून सत्र के दूसरे दिन 9 और तीसरे दिन 6 विधेयकों को पास किया गया। हंगामे के बीच पारित विधेयक, दूसरे दिन सदन में 9 में से 7 विधेयक बिना बहस पारित। 2 विधेयकों पर हुई सदन में जमकर बहस। 50 मिनट में 9 विधेयक हुए पारित। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय जोधपुर संशोधन विधेयक 2018। जगत गुरु रामानंदाचार्य राजस्थान संस्कृत विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक 2018। राजस्थान निजी विश्वविद्यालयों की विद्या संशोधन विधेयक 2018। एपेक्स विश्वविद्यालय जयपुर विधेयक 2018। श्याम विश्वविद्यालय लालसोट दौसा विधेयक 2018। लॉर्ड्स विश्वविद्यालय चिकारी अलवर विधेयक 2018। खुशाल दास विश्वविद्यालय पीलीबंगा विधेयक 2018। विधानसभा के अधिकारियों और सदस्यों की परिलिप्तियां और पेंशन संशोधन विधेयक 2018। राजस्थान पंचायती राज संशोधन विधेयक 2018 पारित। तीसरे दिन 5 संशोधन विधेयकों सहित 6 विधेयक पारित। 2 विधेयकों पर हुई सदन में बहस। राजस्थान स्टाफ संशोधन विधेयक 2018। राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर संशोधन विधेयक 2018। राजस्थान माल और सेवा कर संशोधन विधेयक 2018। जयपुर जल प्रदाय और मलवहन बोर्ड विधेयक 2018। राजस्थान लोकायुक्त और उप लोकायुक्त संशोधन विधेयक 2018। राजस्थान वन संशोधन विधेयक 2018। राजस्थान की सत्ता की कमान आज तक 2 ही पार्टियों के हाथों में ही रही है, कांग्रेस या फिर बीजेपी। लेकिन बदलते वक्त ने प्रदेश का माहौल भी बदल दिया है और तीसरे मोर्चे को अपना वजूद साबित करने का हौसला दे डाला। ऐसे में कांग्रेस से दूरी बनाते हुए तीसरे मोर्चे के नेताओं ने भी सरकार पर जमकर निशाना साधा और ये इशारा दे दिया कि चुनाव में वो अपनी जमीन खोजने की कोशिश जरूर करेंगे। कांग्रेस को आखिरी दिन, ये बीजेपी के लोगों से 2 दिन से मैं देख रहा था, इनकी नजदीकियां एक दूसरे से मिलना, कहीं गैलरी में मिल रहे हैं, कहीं अध्यक्ष चैम्बर में मिल रहे हैं, तो मिला जुली का खेल कांग्रेस और बीजेपी का है। इनको किसानों की कोई चिंता नहीं। अब ये यात्राएं निकाल रहे हैं, अब ये रैलियां कर रहे हैं, तो पहले 5 साल पे इनको क्यों नहीं याद आई राजस्थान के किसानों की, जवानों की बेरोजगारी से लेकर जब राजस्थान का जवान सड़कों पे टूट रहा था, दम तोड़ रहा था, आत्महत्याएं कर रहा था या किसान आत्महत्याएं कर रहा था, तब इन्होंने क्या किया? दूसरी सबसे बड़ी दुख की बात यह है कि माननीय मुख्यमंत्री आज अंतिम सत्र के दिन भी सदन में उपस्थित नहीं थी और इस प्रकार से सदन का अपमान करना और सदस्यों का अपमान करना उनके लिए शोभादायक बात नहीं थी। दूसरी बात मैं कहना चाहूँगा कि इन 2 दिन में जो खटाखट करके बिल पास किए गए हैं उन विधेयकों का जनता पर आम असर पड़ेगा और उसका पूरी चर्चा नहीं हुई, वो भी उचित नहीं था। एक तरफ राजस्थान सरकार मंडी व्यापारियों और आढ़तियों से समझौता करती है, उनकी आड़त तो वो बढ़ाती है और किसानों की ये जो मांग है कि संपूर्ण फसल जो है वो MSP पे खरीद होनी चाहिए, उससे नीचे कोई भी व्यक्ति खरीद करता है तो वो गैर कानूनी अपराध है, जिस कानून में 50,000 रुपए का जुर्माना है और 1 साल की सजा का प्रावधान है।
चौदहवीं विधानसभा के अंतिम सत्र के समापन के साथ ही वसुंधरा राजे सरकार का भी यह अंतिम सत्र रहा, जिसमें मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे का केवल एक ही दिन मौजूद रहना और पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का सदन की कार्यवाही से गायब रहना पक्ष विपक्ष के लिए आरोप प्रत्यारोपों का मुद्दा बना। अंतिम सत्र के पहले दिन विधानसभा में फोटो शूट किया गया। ये फोटोग्राफ चौदहवीं विधानसभा की यादों का एक दस्तावेज है, जो परंपरा के साथ ही एक सफल सत्र प्रमाण भी है। अब देखना दिलचस्प होगा किस तस्वीर में दर्ज कितने चेहरे आगामी विधानसभा का हिस्सा बन पाते हैं। एवन टीवी के लिए आशीष तिवाड़ी की रिपोर्ट।